हमारे पर्यावरण पर प्लास्टिक के कारण हो रहे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए बिहार हाई कोर्ट ने भी सरकार को राज्य में प्लास्टिक बैग पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और एस कुमार की खंडपीठ ने विश्व स्तरीय महाबोधि मंदिर के परिसर स्थित मुचलिंद झील में प्लास्टिक यानी पॉलिथीन बैग के कारण हो रहे प्रदूषण को देखते हुए बिहार सरकार को ये निर्देश दिया है ताकि पर्यावरण की रक्षा के साथ दूसरे नुकसानों को भी रोका जा सके। कोर्ट ने अपने आदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल से हो रहे दुष्परिणामों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि राज्य सरकार बिहार को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के लिए ठोस और कड़े प्रभावकारी निर्णय ले। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को भी कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उस दिन सभी अधिकारी प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के बारे में हलफनामा दायर कर अपने सुझाव और विचार से कोर्ट को अवगत कराएंगे। गया के डीएम कोर्ट को बता चुके हैं कि महाबोधि मंदिर के आसपास के इलाकों में पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप भी अपना सहयोग करें और जुड़े पर्यावरण पोस्ट के साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पर्यावरण पोस्ट।